मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी स्क्रीन पर इस प्रश्न को देखो। ये प्रश्न सायलोजिज्म का है जिसका हिंदी न्याय होता है। ऐसे प्रश्न में क्या होते हैं बच्चों, तो आप सभी को कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कुछ कथन दिए जाते हैं और उस कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। आपको उन्हीं स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़कर निर्णय लेना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। जब कभी भी ऐसे सवाल को आप बनाएंगे तो आप वेन डायग्राम का सहारा लेके बनाएंगे। जितने भी स्टेटमेंट हैं सारे स्टेटमेंट को यानी कथन को वेन डायग्राम में तब्दील करेंगे और उसी वेन डायग्राम से फिर हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। राइट बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि कोई चाबी फोन नहीं है। कोई भी चाबी क्या है? फोन नहीं। बच्चों मैं पहले फिगर बनाता हूँ, ये सोच लो कि चाबी है और कोई भी चाबी को कह रहा है फोन नहीं होना चाहिए। कोई भी चाबी फोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोनों में कोई स्पर्श नहीं है। अगला कहता है सभी चाबियां क्लिप है। सारे चाबी को ले लो और सभी चाबी को क्या बना दो बच्चों? क्लिप। सभी को क्या बना देना है? क्लिप। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दो वर्ड के बारे में आपको बोला जा रहा है उसी दो सर्कल में आपको संबंध दिखाना है, इसके अलावा किसी में स्पर्श नहीं होने दीजिएगा। मतलब क्या है? मतलब कि चाबी और क्लिप में आपको संबंध दिखाना है तो इसी दोनों में ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी इसके बाउंड्री को कभी भी इसकी बाउंड्री में टच नहीं होने देना है। इन बातों का ख्याल करेंगे जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे। अगला है कुछ चाबियां टेबल है। चाबी तो अंदर में है तो कुछ चाबी को टेबल लेना है तो निश्चित रूप से वो क्लिप होते हुए जाएगा। तो कुछ चाबी को क्या बना देना है बच्चों? आपको टेबल बना देना है। कुछ चाबी को क्या मैंने बना दिया? टेबल। ओके, वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आइए इसी वेन डायग्राम की मदद से अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में सोचेंगे। पहला निष्कर्ष बच्चों देखो क्या कर रहा है, कुछ क्लिप फोन नहीं है। कुछ क्लिप फोन नहीं है। आपको पता है कि चाबी और फोन में कोई कनेक्शन नहीं था। नहीं वाले एकदम याद रखना पहले, किस दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है? चाबी और फोन में। कुछ क्लिप फोन नहीं है, कह रहा है कुछ क्लिप जो है वो फोन नहीं है। बच्चों देखो ये पूरा का पूरा एरिया क्लिप का, ये पूरा का पूरा एरिया किसका है? क्लिप का। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया चाबी का है वो भी तो क्लिप का ही एरिया है। मतलब कुछ क्लिप चाबी भी बन रहा है। सभी चाबी यदि क्लिप के अंदर है इसका मतलब कुछ क्लिप चाबी तो बनेगा ही बनेगा। राइट बच्चों, तो देखो ये वाला जो क्लिप का एरिया है, इतना सा एरिया, ये एरिया भी क्लिप का ही होगा क्योंकि सभी चाबी क्लिप के अंदर में। तो ये वाला जैसे सारे बिहार हिंदुस्तान के अंदर में है ना। सारे बिहार कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर में। तो जो बिहार का एरिया है वो भी तो हिंदुस्तान का ही एरिया है, बिल्कुल। तो ये जो क्लिप का एरिया है बच्चों, ये बीच में, इसके बीच में चाबी है, तो ये चाबी वाला एरिया क्या क्लिप का एरिया नहीं है? बिल्कुल है। तो ये वाला एरिया कभी भी फोन नहीं हो सकता है। ये एरिया कभी भी फोन नहीं हो सकता है। तो बताओ ये एरिया तो क्लिप के अंदर में भी है ना। मतलब इतना सारा जो क्लिप होगा, ये वाला क्लिप यानी यहां जो इसके सर्कल में नहीं है, इधर वाला क्लिप यानी इधर, ये सब एरिया फोन में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन ये वाला एरिया जो क्लिप के अंदर में होगा वो कभी भी फोन नहीं हो सकता है। इतना सा एरिया जो क्लिप के अंदर में आ रहा है वो कभी भी फोन में नहीं जाएगा क्योंकि चाबी फोन नहीं है। पहले ही कह दिया इतना सा एरिया कभी भी फोन नहीं बन सकता है, तो उतना सा एरिया जो क्लिप बन रहा है वो क्लिप भी कभी भी फोन नहीं हो सकता है। इसने कहा कुछ क्लिप फोन नहीं है, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिए। अगला है कुछ टेबल फोन नहीं। कुछ टेबल फोन नहीं, जब आप जानते हैं कि कोई भी चाबी फोन नहीं है तो कुछ टेबल का एरिया, देखो ये वाला एरिया टेबल का,
चाबी के अंदर में जा रहा है, तो इतना सा टेबल का एरिया कभी भी फोन नहीं हो सकता है। ये वाला एरिया फोन हो सकता है, ये वाला एरिया फोन हो सकता है, ये वाला एरिया फोन में जा सकता है, लेकिन जो चाबी को स्पर्श कर गया, क्योंकि चाबी को फोन होना ही नहीं है, तो जो चाबी को स्पर्श कर गया वो कभी भी फोन में नहीं जा सकता। मतलब इतना सा एरिया जो है हमारा टेबल का एरिया जा रहा है, तो ये वाला एरिया कभी भी फोन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है, तो कुछ टेबल फोन नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ टेबल हमारा कहाँ चला गया, चाबी में, और वो वाला एरिया कभी भी फोन नहीं हो सकता है। इसका मतलब कुछ टेबल फोन नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगला है कुछ क्लिप टेबल है। कुछ क्लिप क्या है, टेबल है, क्या ये सही है? ये तो बच्चों का खेल है बच्चों, ये तो बच्चा भी बता देगा। ये पूरा एरिया क्लिप का, और कुछ जैसे ही चाबी को आपने लिया तो कुछ क्लिप भी टेबल के अंदर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कुछ क्लिप टेबल है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहां पर तीनों निष्कर्ष क्या हो गए, सही हो गए, राइट बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन देना पसंद करेंगे? पहला कहता है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों क्या चला गया, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को यदि ध्यान से समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, हमारी हर बातों पे चिंतन कर रहे होंगे, तो शायद आपको समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, यदि आप नए छात्र हैं तो जरूर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन यदि आप लगातार ऐसे क्वेश्चन को बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो यकीनन आपका भी सिलोजिज्म पे पकड़ हो जाएगा, और सिलोजिज्म में एक भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पर गलत नहीं होगा बच्चों, राइट? बस आप अनवरत प्रयास करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगा? बच्चों देखो, ये नंबर है, कुछ नंबर लिखे गए हैं, बीच में एक नंबर छोड़ दिया, आपको पकड़ना होता है कि ये नंबर किस पैटर्न पर चल रहा है, वो पैटर्न को पकड़ना है किसी भी कीमत पर। देखते हैं क्या है, तो देखने से लग रहा है कुछ नंबर घटता जा रहा है, सॉरी घटता नहीं जा रहा, बढ़ता जा रहा है। तो 56 से 63 हुआ बच्चों, कितना बढ़ा? तो आप कहोगे 6 बढ़ा। 63 से 71 यदि गया तो कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। कुछ ऐसा लगा कि कुछ रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन दिख रहा है? 6 से 8 होने का मतलब 2 जोड़ के बढ़ाया, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होना चाहिए बताओ? 10। कितना होना चाहिए? 10। तो अगला 10 जुटना चाहिए, तो 71 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। क्या आगे का इसी पैटर्न पे रूल फॉलो हो रहा है, उसको भी चेक कर लो। तो 10 के बाद अब आगे क्या जुटना चाहिए? 12 जुटना चाहिए। कितना जुटना चाहिए? 12। तो 81 में 12 जोड़ेंगे तो 93 सही है। फिर 12 के बाद कितना जुटना चाहिए? 14 जुटना चाहिए। दो दो बढ़ के जुट रहा है, तो 93 में 14 जोड़िए, क्या 107 नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आपने पूरी तरीके से पैटर्न को पकड़ लिया, यानी दो दो जोड़ के बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। तो बच्चों 71 में 10 जोड़े तो कितना हो गया? 81, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। किसका सवाल है बच्चों? ब्लड रिलेशन का सवाल है। आइए, हर किसी का अपना एक मीनिंग है। इस सिंबल का मीनिंग किसका है? बहन का। इस सिंबल का मीनिंग किसका है? पति का। इस सिंबल का मीनिंग किसका है? पिता का। और इस सिंबल का मीनिंग किसका है? बेटा का। अब आपके पास ये इस तरह से एक लंबा सा लाइन खींचा, बीच बीच में सिंबल डालते हुए, अब उसमें से किसी दो में एक संबंध बताने के लिए आपसे पूछता है। जैसे यहां पूछा टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी टी क्यू का क्या लगेगा, यानी टी को क्यू क्या बोलेगा, टी का रिश्ता बताना है क्यू से, ध्यान। तो देखते हैं बच्चों, इधर से पढ़ा जाए, इस सिंबल का मीनिंग देखो, तो ढूंढो कहां, यहां ये सिंबल देखो, मिला? ये सिंबल का मतलब क्या है? पति। तो ऐसे देखो, सी ऐसे लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है? सी है किसका पति? डी का पति। ऐसे पढ़ेंगे, डी का पति सी। उसी तरह टी का पति है एस, टी का पति एस, यानी एस लड़का और टी लड़की, पति तो लड़का ही होता है ना, टी का पति। उसके बाद चलो, इसका मीनिंग देखो क्या है? बहन। तो पति का बहन, पति का बहन, पति का बहन ननद, पति का बहन ननद, और ननद का प्लस कर देखो क्या? बेटा। ननद का बेटा, ननद का बेटा, एक लड़की की ननद का बेटा उस लड़की को क्या बोलेगा? तो लड़की की ननद का बेटा जो हुआ वो कौन हुआ? लड़की के हस्बैंड का भांजा हुआ, लड़की के हस्बैंड का भांजा,
हस्बैंड के बहन का बेटा हुआ तो उस लड़की के हस्बैंड को वो लड़का क्या बोलेगा? मामा। और मामा की पत्नी को मामी। क्या बोलेगा? मामी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। शायद आप समझ गए होंगे या पता नहीं आप संबंधों में उलझ गए होंगे। दिमाग को सही रखना, जरूर समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लंबा सा भाषण कुछ लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, ये कहना यही चाह रहा है कि इस दो वर्ड में, शब्द में जो संबंध है वही संबंध इस दोनों में दिखाना है। इस दोनों में क्या संबंध है? कुत्ता को चार क्या होता है? कुत्ता को चार क्या होता है? पैर होता है। तो चिड़िया को पैर कितना होता है? दो होता है। वेरी सिंपल, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? क्या प्लस और भाग को बदलने से यह समीकरण संतुष्ट होगा, या प्लस और गुणा को बदलने से यह समीकरण संतुष्ट होगा, या भाग और गुणा को बदलने से संतुष्ट होगा, या फिर माइनस और प्लस को एक दूसरे से बदलने से समीकरण संतुष्ट होगा? बच्चों इसमें एक बात सबसे पहले ध्यान रखना, पहला जैसे यहां पे भाग लगा हुआ है तो भाग वाले को चेक करके देखो कि क्या यहां पे 6 से 132 कट रहा है। 132 भागा 6 का मतलब क्या हो? 132 बटे 6, तो क्या 6 से 132 डिवाइड हो रहा है? यदि डिवाइड हो रहा है तो आपको उस भाग को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं ये 99% सवाल में लागू होगा बच्चों, यही पैटर्न आपको अपनाना है हर सवाल बनाते समय, राइट। यदि भाग है और डिवाइड हो रहा है तो उस भाग को बदलने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यदि वो नहीं कट रहा होता तब जरूर उस भाग को चेंज करने की जरूरत होती। तो सबसे पहले भाग को हमको यहां नहीं बदलना है, यानी भाग जहां जहां है वो ऑप्शन गलत करेंगे, क्योंकि भाग के साथ किसी को इंटरचेंज करने की अभी आवश्यकता हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो कट रहा है। बचा हमारे पास दो ऑप्शन। अब इस दोनों में से किसी एक को लेकर चलते हैं, बी को लेकर चलते हैं, देखते हैं होता क्या है। तो चलिए, 132 भागा 6 माइनस तो एज इट इज रहने वाला है, गुना बदलेगा, गुना और प्लस एक दूसरे से चेंज होगा, यानी जहां गुना वहां प्लस लिखेंगे और जहां प्लस वहां गुना लिखेंगे, और ये क्या बराबर हो रहा है 43 का, आपको चेक करना है। बच्चों भाग लगाओगे कितने बार में? तो कहोगे 22 बार में कट गया। 22 माइनस 24 प्लस 9 पचे 45, क्या ये बराबर 43 का हो रहा है? चेक करो, 22 और 24, 22 में 24 घटेगा तो माइनस 2, और माइनस 2 प्लस 45 बराबर 43, यानी इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कंफर्म आंसर क्या जाना चाहिए? बी। यानी जब आप प्लस और गुना को एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं तो इक्वेशन पूरी तरह से क्या हो रहा है बच्चों? सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? ये एक वर्ड दे रखा है और इस वर्ड को आपको पकड़ना है कि किस पैटर्न पर आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखो बच्चों, पहला लेटर पकड़ो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो डी के आगे क्या होता है? तो डी के आगे ई होता है। तो जहां जहां ई है उसी की संभावना है आंसर होने का, जहां ई नहीं है शुरुआत में वो नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन को भी छाटा करो फटाफट, राइट। अगला लेटर पढ़ो, जेड, जेड के बाद वाई, यानी इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले, डब्ल्यू से पहले, W से पहले भी, तो E के बाद क्या होता है? भी। यहां U है, यहां भी, आंसर कौन सा जाना चाहिए? C नंबर। अब अगला लेटर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे ही फास्ट होना है हम लोग। अगला, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, तो E के बाद F होना चाहिए, और F किस में है? सिर्फ एक में है। तो पहला ही लेटर से हम लोग उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं, अगले लेटर देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यदि एक और में F रहता तो फिर दूसरा भी देखते हम लोग। यहां देखा जाए, नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जैसे कि वे किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे, और वो जो शब्द आखिरी आएगा वो चुने। लास्ट वाला शब्द आपको पकड़ना है कि जब आप इस चारों को डिक्शनरी में सजाओगे तो अंतिम वर्ड कौन सा आएगा। तो देखो बच्चों, सभी में एफ एफ एफ, जो कॉमन हो गया उस कॉमन से तो पता ही नहीं चलेगा कौन आगे कौन पीछे, जो डिफरेंट होने लगेगा वहां से पकड़ाएगा। तो एफ के बाद देखिए तो ओ है, इस दोनों में ओ है, और इस दोनों में एफ के बाद क्या है? आर है। तो आप बताओ कि पहले ओ आएगा कि पहले आर आएगा? तो आप कहेंगे अल्फाबेटिकल, जब ए बी सी डी पढ़ो तो सबसे पहले ओ आएगा तब आर आएगा, ओ के बाद आर आता है। तो पहले ओ वाला वर्ड आएगा तब आर वाला आएगा। इसका मतलब जब ओ वाला आएगा तो ये सब तो शुरुआत वाला वर्ड होगा, हमें शुरुआत वाले से लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट वाला वर्ड बताना है, लास्ट में कौन आने वाला है। अब बचा ये दोनों, अभी इस दोनों में कौन पहले कौन बाद आएगा,
इस तीनों में, इस दोनों में देखा जाए तो कॉमन कितना है, एफ आर ए तीनों में कॉमन है। इससे नहीं पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे। उसके आगे वाला देखो, यहां एन है और यहां क्या है, एम है। तो पहले एन की पहले एम, पहले एन की पहले एम, तो पहले एम तब एन, तो बाद में कौन जाएगा, एन। तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा, एन वन। यानी आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सी। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे।